आजा अब बहुत ब्रीक हो गया तनिया। हाँ है आ गई हूँ तो वह है। आपको तो हादी होती है रोला पाँच मचा देते हैं आप हैं। आपने जाना था तो बैग नहीं था मैंने तैयार करना आपका तो ऊपर से ताने देखो जरा अपने अंदर हो वो। और ताने तो मोहब्बत की निशानी होती है पागल। जो सब ना करो करो ये गल्ला है कैमरा ऑन है अगर आपकी ये वाली वीडियो लीक होगी ना तो सबने ठरकी बाबा हैशटैग करके फॉरवर्ड कर देना। इतना कंजनिया कुतरने को कहा था तोबा है। छोड़ दे ये बातें अब बस। अपनी हरकतें आप भी तो छोड़ दें। छोड़ दो दिए हैं। कुछ जमाना होता था अपने दोस्तों के साथ जाता होता था दुबई छुट्टियां मनाने। अब तो हाजी साहब के साथ उस पे जान जो गए रह गया हूँ बस। चल सब ना करो कह जे गल्ला उस पे जाते थोड़ा पता नूर आ गया आपके चेहरे के ऊपर सारा। इधर हो। नूर आता है ना तो उसके साथ साथ फरिश्ता भी आता है लेने के लिए। ना करे कहो जे गल्ला तुहानू किन्नी वारी दस्या है आपकी इस किस्म की करीबुल मौत बातें सुनकर तो मेरे भी एज एक्सपोज हो जाती है। अच्छा मैं जा रहा हूँ तैयारी भी करनी है फिर रोजे खोलने का टाइम भी हो रहा है। इतने क्या कुकिंग शो का चक्कर चला लिया है। तो सब क्या हो गया आपको अपना टब्बर आएगा इतना मजा आएगा रौनक होगी है रमजान में रौनक ना हो तो मजा क्या है खाने पीने का मजा ही अपना है। अच्छा थोड़ा सा दिल वड्डा करे ढिड वड्डा कर लिया तो फिर दिल भी वड्डा कर लो। अच्छा बहरहाल मैं जा रहा हूँ मेरे वापस आने तक सब चीजें खत्म हो जानी चाहिए बस। बस बंदे ने टेंशन बड़ी देनी होती है जान से पहले। हेलो हेलो है मेरी प्यारी बहनों और भाइयों मैं हूँ आपकी पसंदीदा हस्ती जो आपके दिलों में आपके सांसों में आपकी नासों में बसती हूँ। सो आई विल कुक फूड एंड यू विल फील तरबेला डैम लेवल वाटर इन योर माउथ। तो जनाब मैं ये सब बनाने लगी हूँ लेकिन बड़ा मजा आएगा सारा टब्बर मारा आएगा हमारी डोली आएगी तो हमारा ताका आएगा तो हमारे मेहमान आएंगे हमारा वो भी आएगा वो भी आएगा लेकिन सबसे पहले मेरी फेवरेट पर्सनालिटी को मैं बुलाऊंगी। जी जी एक मिनट। हेलो जी फराज साहब किधर रह गए आप वो जॉय साहब तो चले गए जल्दी आए ना। जी जी वेटिंग ओनली 50 kg ऑन मशीन। हाँ जी हाँ जी चलो बस शुक्र है अल्लाह का। तो बस मैं फिर अब ये चीजें मिला पहले तो मैं अंगूठियां उतार के तो मैं जरा साबुन से हाथ धो लूं पहले हाथ धोने जरूरी होते हैं जब कुछ पकाने लगे। अच्छा ए एलो करो से पहले तो हाथ धोने बहुत जरूरी होते हैं समझे आप। हाँ जी अल्लाह का शुक्र है साफ सुथरे तो साफ सुथरे हाथ हो गए। तो खाना पकाने से पहले बड़ा जरूरी है हाथ साफ करना। लो जी अब मैंने हाथ लगाया बिस्मिल्लाह करके ये मोज़रेला का चीज है क्रश हुआ हुआ और ये हमारा कनौर का चटपटा नूडल ये मैंने इसमें डाला और ये इसका टेस्ट मेकर है सारा ही डाल दे बेशक मजे का होता है चटपटा। और धनिया डालें ये करके खूबसूरत लगता है धनिया हरी मिर्चें जितनी को आपको पसंद है ना चॉइस आपको बड़ी पसंद है उतनी तेज जबान है जितनी हरी मिर्चें तेज होती है। और ये उबले हुए आलू है मैंने पहले तैयारी करके रख ली थी मैं बड़ी होशियार हूँ तैयारी पहले हो ना तो फिर अफ्तारी के टाइम पे देर नहीं लगती ना तो सारे काले भी नहीं पड़ते थे जल्दी करो जल्दी करो। और ये मैंने ना डो बना के इसकी टिक्कियां बनाई थी मैं पहले इसको मिक्स कर लूं। ए कितने मजे के कनौर के नूडल हैं देखना इसने और मजा लगा दिया जब मैंने समोसे बनाने इसके। हाय 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम है रबिया जी आप किधर हैं वो फराज छोड़ के गए ना मुझे। है छोड़ते तो नहीं है वो आपको क्या नहीं मेरा मतलब है कि वो फराज साहब आने वाले थे ना तो नहीं वो उन्हें कोई काम पड़ गया तो वो वापस चले गए। नहीं तो इस उम्र के मर्दों के यू टर्न लेने की आदत पता नहीं कब जाएगी। आप परेशान क्यों हो रही हैं मैं आ गई हूँ ना। हाँ जी वो तो है मगर बस। अच्छा मुझे ये बताएं बहुत बहुत मुबारक हो एक नया शो शुरू करने का। हाँ जी मैंने सोचा कि फैशन इंडस्ट्री को तो दफा करो मेरे तो मतलब की नहीं थी तो मैंने कहा चलो कुकिंग इंडस्ट्री का जरा बेड़ा गर्क कर दे। बड़े सोच की बात है तुझे तो डायरेक्ट ही हो गए हो। मेरा मतलब है कि बेड़ा गर्क ही होगा ना कॉम्पिटिशन का क्योंकि ना जब आप आ जाएंगी ना इस फील्ड में तो फिर किसी और की जगह कहाँ रहती है। वैसे आपकी सच बोलने वाली आदत नहीं गई। अच्छा छोड़े बताए ना कौन सी नई डिश बना रही है। भाई ये बड़े मजे की चीज है इसमें कनौर का ये जो होता है ना अपना नूडल बड़े मजे का इसके अंदर होता है मसाला वो मैंने मिलाया है तो आलू बॉयल करके मिलाया है तो साथ मैंने मोज़रेला का चीज मैं बना रही हूँ नूडल वाले
समोसे। अच्छा ये अभी आप ट्राई करेंगी? मैं हाँ, हाँ, एक मिनट तेल लेकर आती हूँ। चूल्हा आग लगाने में तो आप फर्स्ट आती है। आपका जवाब नहीं है माशाल्लाह आग लगाने में। मजाक कर रही हूँ। नहीं नहीं आप बहुत मुझे बुरा समझती हैं। मैं समझ गई, जस्ट जोकिंग। ये जनाब इसमें मैंने डाला तेल, आपने लगाई आग। तेल नहीं तो इसमें हमने समोसे फ्राई करने, डीप फ्राई करने है ना। अच्छा अच्छा, तो इसलिए हमने इसमें डाला, वरना तो नहीं ना खाते होते ओवर तेल। तो आग काफी है कि और लगाऊं? ठीक है थोड़ी तेज कर दे, फिर जब थोड़ा सा मठा मठा कम हो जाएगा ना फिर हम इसको हल्का कर लेंगे। अच्छा तो ये आपने खुद बनाया है? जी जी मैंने बना के रखे लोग घर पे। हाँ मैंने इसमें मैदे के अंदर डाला थोड़ा सा नमक और जीरा और ये बना के मैंने रखी, छोटी छोटी गुलियां बनाई है ना, इसके समोसे बनाएंगे। थोड़ा हाथ बटा, हाथ धोए में? हाँ मैंने अभी वो सैनिटाइज़ किया। अच्छा चलो ठीक है, तो क्या करूँ? इसको इस तरह करें, मैं बताती हूँ। भर के रखने? हाँ भरने, एक मिनट ठहरे ना, ऐसे नहीं सारे करने। अच्छा ये बताए कोई नई खुशखबरी? नहीं नहीं वो पहले भी हुई थी ना, मैं तो सिला की बात कर रही हूँ ना, सिला की बात कर रही हूँ। मैंने कहा एक ही काका स्कूल जाने वाला हो गया है, तो अब जरा माशाल्लाह से दूसरा भी कोई खैर से अल्लाह मियां खुशखबरी। नहीं अभी तो नहीं, अभी तो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो छोटा है। चलिए ये मैंने बनाया। अच्छा क्या करना है इसको? यूं इसको ऐसे करके ना जोड़ दूं? हाँ, ओके, ओके, ओके। अच्छा मैं समझ गई। हाँ, लेकिन अच्छी तरह बनाना है। अच्छा तो रबिया जी आजकल कौन सा रंग चल रहा है मार्केट में? किस चीज का? कपड़ों का। मैंने कहा चलो रंग चल रहा होता ना। अच्छा रंग? पता नहीं मुझे कहाँ मार्केट का कुछ भी पता। खैर मैंने सोचा शायद मैं फैशन इंडस्ट्री से दूर हूँ, क्या पता आपको ही कोई थोड़ी बहुत सेंस हो, तो इसलिए मैंने कहा बनाते हैं हम समोसे। और बना है? हाँ तो और क्या बनाए ना। तो वो हो नहीं गया गर्म? नहीं अभी थोड़ा सा रहता है, एक मिनट ठहरे। और इतने को क्रिस्पी बनेंगे ना आप देखना, आपको मजा आ जाना रोजा खोलते वक्त। आप रोजा रखा वैसे? जी, जी। लो जी जब तक हम कनौर के नूडल्स के समोसे बना रहे हैं ना, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। भैया जी हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल, बहुत जरूरी है बिल्कुल। हम अभी आते हैं थोड़ी देर में, आपने किधर भी नहीं जाना, अच्छा इधर ही रहना। ब्रेक से वापस आ गए बहनों और भाइयों, मुझे यकीन है कि आप लोग और किधर भी नहीं गए होंगे क्योंकि आप मेरे बगैर रह नहीं सकते। अच्छा अब हमने इसको फ्राई करना है, आप तेल अच्छा सा गर्म तो हो गया। ये आप अच्छा बना लेना। हाँ, मैं उधर से जरा वो लेके आती हूँ ना प्लेट जिसमें हमने निकालना है। और ठीक है टिश्यू के अंदर हमने इसको, इसका जो एक्सेस ऑयल है ना, रबिया जी मैंने सारी बातें सीख ली जो कुकिंग शो वाली लड़कियां करती है ना, एक्सेस ऑयल इसमें हमने इसको रखना है ताकि ये चूस ले। अच्छा। तो इसमें डालती जाए ना। हाँ मुझे बताएं शादी साहब अब ठीक हैं आपके साथ? हाँ बेचारे ठीक ही होना, उस उम्र में और करना है क्या उन्होंने, मतलब अब कहीं और के चक्कर तो नहीं लगते? बेचारे अस्पताल के चक्कर लगाते हैं, मस्जिद चले जाते हैं और उन्होंने किधर जाना। मस्जिद वो मास्क पहन के जाते हैं ना? हाँ हाँ मास्क भी पहनते हैं ना, मास्क भी पहनते हैं और डिस्टेंस भी रखते हैं, पता है 6-6 फुट दूर खड़े होते हैं। वैसे मुझसे भी थोड़ी थोड़ी दूरी होगी थी, लेकिन फायदा ये हुआ है कि अब किसी औरत के नजदीक नहीं हो जाते। अच्छा तो ये बताएं फराज साहब ठीक है वैसे? फराज बिल्कुल ठीक है। अच्छा बिल्कुल, कभी फिर नहीं लड़ाई हुई खैर से? होती रहती है, मियां बीवी में लड़ाइयां ना हो तो फिर जिंदगी का क्या मजा है। हाँ ये तो है, तो मना लेती है फिर आपको वापस? बस कभी वो मना लेते हैं कभी मैं मना लेती हूँ, ऐसा तो चलता है ना। चलो भाई अब ये तो है ही, इस उम्र में बंदा फिर क्या करे, आ जाके उधर ही। तो ये बताएं कि वो अपना मावड़ी का क्या हाल है? बहुत अच्छी, बहुत खुश है वो शादी के बाद। हाय माँ सदके, अब मावड़ी ने 10-12 शादी कर लिया, कितना मजा आया सुन के। मावड़ी है बड़ी प्यारी, ये भी इसमें डाल दे। हाँ ये बड़े क्रिस्पी बनेंगे, इसका मसाला इतना मजेदार है ना कि जिसकी हद कोई नहीं। तो इसके साथ सॉस है आपके पास? हाँ बड़ी जबरदस्त, मैं अभी लेकर आती हूँ, आप देखें तो चटपटी, इसके साथ तो वो मजा आना है ना। ये चिली गार्लिक सॉस है कनौर की, ओए मान से बंदा उंगलियां चाटता रह जाए। और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसके साथ क्या, एक प्लेट थी इधर, वो तो हमने रखी थी ना कागज में, वो सारा उसका ऑयल चूस लेगा फिर हम इसको सजाएंगे। लेकिन आप देखिए ये जो है ना चिली गार्लिक सॉस, इसका तो कुछ मजा ही और है। ये जो है ना नूडल वाले समोसे, ये किसी ने छोड़ने नहीं है इफ्तारी के टाइम,
इनको तो देख के भूख लग गई है। डोसा बहुत लग रहा है मुझे। अच्छा पहले उसमें निकाले तो फिर इसमें निकालेंगे। ठीक है। अच्छा तो ये बताएं कि सिला का बच्चा जो है वो कितना बड़ा हो गया? वो क्लास 3 में है, बस स्कूल बंद होने से सिला बड़ी तंग है, सारा दिन उसके सर पे कूदता है। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, लेकिन वो भी फिर एक माँ के लिए मुश्किल ही है ना। हाँ लेकिन ये बताएं कि आप उसको नानी अम्मा कहने देती हैं अपने आप को? मैंने तो कभी मना नहीं किया। नहीं पहले आप कहती थी ना मम्मी मम्मी कहो मुझे। नहीं कभी भी नहीं। आपको गलत फहमी है। अच्छा मुझे लगा शायद ना मार्केट वैल्यू की भी तो बात होती है ना। अच्छा वो दिखाए ना मुझे, मैं अब इसको डेकोरेट करती हूँ। ये ले आप ये वाले डेकोरेट करें और मैं ये वाले फ्राइंग में डाल दूँ। बिस्मिल्लाह की बरकत। ये देखा कितना प्यारा बना, इसका शेप तो देखें आप। हाय 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 गरम गरम हाय 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 हाय। अच्छी तरह हमें इसको सेट करना है क्योंकि ये ब्यूटीफुल लग रहा है। मेरे ठहरे ऐसे ना करें कि हम इसको ऐसे करके करके। वैसे आपने कभी फराज साहब के लिए खास तौर पे कुछ बनाया है? अच्छा अच्छा मजे का कुछ खाना? वो भी बनाते हैं मेरे लिए। हैं वो ही बनाते हैं? अच्छा वो रोज बहुत अच्छा बनाते हैं और मुझे पसंद भी बहुत है, मैं तो अक्सर फरमाइशी कर देती हूँ। अच्छा भाई। हाँ मैं फिर चौधरी साहब को भेजूँ उसके साथ क्लासेस लेने के लिए? बिल्कुल भेजें, बहुत सारी क्लासेस देनी। तो चौधरी साहब कहाँ हैं आज? चौधरी साहब गए अभी? नहीं नहीं किसी काम से गए, मस्जिद जाना था उन्होंने आगे से। फिर अच्छा आ जाएंगे इस तारीख के टाइम पे। इतना को प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। हमारा प्लेटर तो देखे जरा है बहनों और भाइयों, देखा आपने कितना खूबसूरत। जिस वक्त खाएंगे ना उस वक्त और मजा आएगा। तो ये जब हो जाएंगे तो फिर हम लोग उधर बैठेंगे चल के। हैं चले जी। ये तो बन गए गरमा गरम चटपटे समोसे। हाँ अब और क्या बनाना है? और बड़ी मजे की चीज मैं बनाने वाली हूँ, उसका नाम है डेट्स एंड बनाना कप्स। इतनी कुछ ठंडी ठार चीज और इतनी आसान है, उसकी हद कोई नहीं। सुबह पावे आप सहरी में खाएं तो पावे अफतारी में खाएं, कलेजे में ठंड पड़ जानी। हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा हेल्दी सा लग रहा है। हाँ मैं अभी आपको बताती हूँ, उसकी इंग्रेडिएंट्स मेरे पास हैं। चले मैं और इतना आसान है, मैंने पहले से ना रफान का कस्टर्ड बना के फ्रिज में रख दिया था, तो मैंने कहा चलो जी टाइम भी नहीं ज्यादा लगेगा क्योंकि मजा तो तब है ना अफतारी में, आप ज्यादा टाइम ना जाया करें। एक मिनट में निकाल लो फिर बताती हूँ। ये देखिए ना ठंडा ठंडा दही, तो ठंडा ठंडा रफान का कस्टर्ड है और जो ठंडी ठंडी चीजें जिनका के मजा ही जबरदस्त आने। आप देखिए अच्छा बना के रखा हुआ। हाँ जी आपको मेरा किचन पसंद आया? बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है। मैं फराज से कब से कह रही हूँ कि मेरा किचन अपग्रेड करवा दें, है ना। लेकिन खैर उन्होंने इस्तेमाल करना, मैंने क्या। अच्छा जी हमने क्या क्या करना है? मैं हेल्प करूँ? मैं पहले मैं बता दूँ। लो जी बिस्मिल्लाह की बरकत से मैंने पहले डालना है दही। अच्छा बड़ी तमीज से डालना है, साइडो पे ना लग जाए, हाँ नहीं तो खराब हो जाएगा। उसके बाद हमने डालना है रफान का कस्टर्ड, ये मैंने पहले से ठंडा करके रखा हुआ था, मजेदार सा। अच्छा फिर हमने डालने हैं केले। सब कुछ हेल्दी है देखे ना, आजकल हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं सब लोग, वेट कॉन्शियस, ब्यूटी कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस, तो इसमें हर चीज हेल्दी है। अच्छा इसके बाद हमने इसमें डालने हैं खजूरें, डेट्स। अच्छा इनको काट के रखा है? हाँ, गुठली निकाल के। निकाल के और क्या, गुठली से मैं तो नहीं ना डालना था। और भैया जी कैसी बातें कर रही हैं। ये डाला हमने इसके अंदर खजूरें, आपको पता है खजूर में बड़ी ताकत है, रोजा खोल के एकदम से बंदे की आंखें खुल जाती है दो खजूरें खा के। अच्छा जी उसके बाद हमने डालना है इसके अंदर नमकीन बादाम, यानी नमक वाले बादाम है ये, और बादाम भी आपको पता है बड़ी ताकतवर चीज है। अब हम डालेंगे इसके अंदर शहद। शहद का तो जवाब नहीं है भाई, अल्लाह की शान है, है? मिठा शहद इसको कहते हैं ना, मिठा शहद। थोड़ा सा इसमें डाला हमने ये, और देखें आप सारी चीजें कितनी हेल्दी हैं। दही है, फिर उसके बाद ये खोपरा है। अच्छा, जी कोकोनट। अच्छा अच्छा ये देखें कोकोनट है, ये डाला इसके ऊपर हमने, और ये हमारा तैयार है जी डेट्स एंड बनाना कप है। ये अब अगर आप सुबह के टाइम खाएं ना और अफतारी के टाइम भी खाएं, जो आपको बड़ा पसंद है पीछे पड़ जाते, कहते छोटी जिनी गिलासी में मजा नहीं आता, इतना बड़ा गिलास बनाना पड़ता उनके लिए। अच्छा भैया जी हाँ, आप भी तो बना सकते हैं, इतना आसान है। हाँ। ये तो बच्चा भी बना सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत आसान। दही डाला इसके अंदर, फिर कस्टर्ड डाला इसके अंदर, और कस्टर्ड जिस मर्जी रंग का, अपने सूट के साइज रंग के साथ भी मैच कर सकते हैं आप। मेरे पास वैसे नीला कस्टर्ड नहीं था, मैंने पीले बना लिया। मैं हाथ धो के आई, चिपचिप हो रहे हैं मेरे हाथ, मीठी मीठी चीजें है ना। वैसे बंदे को ना किचन में 27 दफा हाथ धोने चाहिए, हाथ धोते ही रहने चाहिए,
आजकल तो वैसे कोरोना ने बड़ा तंग किया है, बंदा डरता ही है, लेकिन वैसे हाथ धोने का अपना ही मजा है। हाँ जी देखा, बन गया, देखा इतना आसान है, बहुत आसान है। मेरे जैसे टीचर हो तो आप भी सीख सकते, आप जैसा बंदा भी कुछ ना कुछ कर ही लेता। ये तो बिल्कुल सही कहा। रबिया जी वैसे आपको खाना पकाना आता है? थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। अच्छा, तो फराज साहब को तो नहीं कुछ शिकायत होती कि आपको खाना पकाना? मैंने बताया ना, उन्हें खुद बहुत शौक है खाना बनाने का, वो मुझे कहते ही नहीं है। बड़ा अच्छा रिश्ता हुआ था आपका, तो बनाते रहे। बना ले और भी, अल्लाह ने आपका रिश्ता बहुत अच्छी जगह किया। क्या चौधरी साहब आपकी बिल्कुल मदद नहीं करते? नहीं जरा भी नहीं, कभी एक दो दफा मैंने उनको थोम छीलने को दिया था। नहीं आप बता रही थी कि आज धनिया उन्होंने कुतरा, बड़ा मसा मर के उन्होंने कुतरा। 740,000 बातें उन्होंने मुझे सुनाई है, लेकिन बस चौधरी साहब को अल्लाह खुश रखे। चलो जैसे भी है, है तो सही ना, बता किसी का पीछा भी कर सकता है, तो चौधरी साहब ना होते मैं किसका पीछा करती? बिल्कुल सही। अच्छा थोड़ा शहद डाले भाई, मैं भी तो बना लूं एक। अच्छा जी अब तो अफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो जल्दी जल्दी सबने अपने अपने काम करने हैं। हमारी जो जितनी बहनें हैं ना वो भी देख रही हैं, जो मेरे से प्यार करती हैं ना, आपसे भी करती हैं। वैसे मैंने एक दो से पूछा था, उन्होंने कहा हाँ हाँ हमें रबिया बाजी भी बहुत अच्छी लगती है, तो वो फिर लगी पड़ी होगी इस वक्त, बिजी चल रही होंगी अपने घर, है ना। अच्छा केले जो ना पहले से काट के नहीं रखने, वो काले हो जाते हैं बिल्कुल, जैसे बताऊं सेब और बताऊं और केला ना पहले से काट के रखना होता। यानी बैंगन? हाँ जी बैंगन, मतलब इतनी पंजाबी तो सबको ही आती है। ये तो डाले? हाँ डालती हूँ ना, पहले ये नट्स तो डाल लूं। ए, अब डाली हमने खजूरे, खजूरों का तो करके जाओ। शहद डालूं? हाँ जी शहद डालो। ये हर चीज इतनी हेल्दी है, देखना आप, अगर आपने शहरी में खाया सारा दिन आपके दिल में ताकत रहनी है, आपको कोई प्यास नहीं लगनी। और ये हमने डाला कोकोनट का पाउडर यानी कि कोपरा। चलो जी अब हम उधर बैठते हैं और अब हम अपना प्रोग्राम जो है खत्म करते हैं, क्योंकि अफ्तारी होने वाली है और चौसा भी आने वाले हैं। अच्छा तो प्यारे बहनों और भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आज आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगी होंगी। हमने जो समोसे बनाए थे कनौर के नूडल्स के साथ, और हमने ये रफान के कस्टर्ड के साथ जो मजे की चीज बनाई है, आपने जरूर ट्राई करनी है और अपनी बहन को बताना जरूर है, हैं? तो अभी हम इजाजत दें क्योंकि ये रोजा खुलने वाला है, और फिर हम उधर बैठ के अपनी मजे मजे की चीजें खाते हैं। और अगली दफा क्या बनाएंगी और कौन से गेस्ट आएंगे? गेस्ट तो हमारे पास ऐसे ऐसे जबरदस्त आएंगे जिसकी हद कोई नहीं, आपके सारे मन पसंद लोगों से आपको मिलवाऊंगी इंशाल्लाह ताला, आप देखिएगा। तो बारी बारी ना, फिर एक दफा अगर इनको बता दिया तो इन्होंने सबने कहना कि फलाने को अब बुलाओ तो फलाने को तब बुलाओ। चलो जी हम शुरू करते हैं। चॉइस साहब मैं क्या, आ जाओ। अरे पता नहीं कान में आला भी लगाया हुआ है कि नहीं आया, आ जाओ ना हुण, रोजा इफ्तार होने वाला है। We'll be right back.